नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हेडलाइट स्विच कैसे काम करता है इसके बारे में हम बात करेंगे, और BS4 के पहले के जितने भी मॉडल्स हैं जिनमें कि हेडलाइट को हम कंट्रोल कर सकते हैं स्विच के जरिए, उन्हीं बाइक के बारे में हम बात करेंगे। बाकी BS4 में गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कंपनियों ने जो हेडलाइट को ऑन ऑफ करने का स्विच है वो हटा दिया है फॉर सेफ्टी पर्पस। लेकिन जो BS4 के पहले की जितनी भी बाइकें हैं उनमें अगर आपको अगर स्विच में कुछ मिस्टेक हो तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि किस वायर कौन सा वायर कहाँ पर जाता है वो क्या हेडलाइट ऑन ऑफ कंट्रोल को समझने के लिए मैंने RTR 180 के किल स्विच को लिया हुआ है। आप इसको किल स्विच भी बोल सकते हैं, हेडलाइट स्विच भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये हेडलाइट स्विच है। पहली बार इसको ऑन करने पर जो पार्किंग बल्ब है और टेल लाइट है वो जलती है। सेकेंड टाइम इसको ऑन करने पर जो हेडलाइट है उसके लिए करंट जाता है। सबसे पहले हम इसको समझते हैं इसकी वायरिंग में कौन कौन से कलर कोड दिया हुआ है कंपनी ने। तो इसमें जो वाइट कलर का कपलर है, इस कपलर में चार वायर दिए हुए हैं। ठीक है, चारों वायर में से ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन वाला वायर छोड़ करके बाकी जो तीन वायर बचे हुए हैं उनका कलर कोड है येलो पर वाइट कलर का वायर, और येलो पर ब्लू कलर का वायर, और ग्रे कलर का वायर। इन तीनों ही वायर से हमारी हेडलाइट का जो है कंट्रोल होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं येलो पर वाइट कलर के वायर के बारे में। इस वाले वायर में रेक्टिफायर से जो करंट की सप्लाई है एसी, क्योंकि हेडलाइट के लिए इस बाइक में एसी करंट का ही यूज़ होता है, तो उस करंट को सब मतलब रेगुलेट करके यहाँ पर दिया जाता है। क्लियर। और इस करंट को यहाँ पर देने के बाद जब इस स्विच को हम एक बार के लिए ऑन करते हैं इस तरीके से, तो इसका जो करंट है वो ग्रे कलर के वायर में जाता है। एक बार स्विच को जब ऑन करेंगे तो इन दोनों वायर का कनेक्शन आपस में जुड़ जाता है। सेकेंड टाइम ऑन करते हैं तो इस वायर का जो कनेक्शन है वो इन दोनों वायर में जुड़ जाता है। अब इस चीज़ को हम मल्टीमीटर के ज़रिए समझते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इस तरीके से अगर आप मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे तो आपकी या तो वायरिंग में फॉल्ट होगा या फिर आपका जो स्विच है अगर इसमें मिस्टेक होती है तो आप इसको इस चीज़ को चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर के ज़रिए। मल्टीमीटर को मैंने कंटिन्यूटी मोड पर ऑन किया हुआ है। जब भी इन दोनों वायर का कनेक्शन आपस में होगा तो मल्टीमीटर से एक बीप की आवाज़ आपको सुनाई देगी। क्लियर। इस स्विच को हम एक बार के लिए ऑन करते हैं इस तरीके से। तो पहली बार में जैसा कि आपको पता है कि जो टेल लाइट है और जो पार्किंग लाइट है वो ऑन होती है, और मल्टीमीटर की प्रोब को आसानी से लगाने के लिए मैंने एक मेल कपलर को वायरिंग में से निकाला हुआ है, और इस वायर को मैं येलो पर वाइट का जो वायर है उसमें लगाऊंगा, और इसमें से किसी भी मल्टीमीटर की एक प्रोब में इसको हम लगाएंगे इस तरीके से। दूसरे वायर को मैं ग्रे कलर के वायर से अटैच करूंगा। तो आप मल्टीमीटर में आप देखिए कंटिन्यूटी हो चुकी है और बीप की आवाज़ भी उसमें से आ रही है। क्लियर। अब इस स्विच को हम सेकेंड टाइम ऑन करेंगे इस तरीके से। सेकेंड टाइम ऑन करने पर जो येलो और वाइट कलर के वायर में जो भी करंट है, या तो एसी या फिर डीसी, इसका करंट अब येलो और ब्लू कलर के वायर में भी फ्लो होने लगेगा, इसमें भी और ग्रे कलर के वायर में भी। यानी अब इन तीनों वायर की जो कंटिन्यूटी है आपस में हो चुकी है। क्लियर। इस तरीके से, और यह ग्रे कलर का वायर जो कि पार्किंग बल्ब के लिए काम करता है। जैसे कि यह ग्रे कलर का वायर, एक बल्ब ये और एक ये, सेम यही कलर का वायर आप टेल लाइट में भी देख सकते हैं। और ये वायर जब पहली बार हम हेडलाइट स्विच को ऑन करते हैं तो इसमें करंट आता है टेल लाइट और पार्किंग लाइट, तभी हमारी जो है इनमें सप्लाई आती है और जलने लगती है।